स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कलर मैचिंग एंड कैलिब्रेशन के बारे में। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो समस्या क्या है, पहले ये समझिए समस्या है क्या। तो समस्या ये है कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं होता जिसे हम लोग कलर कहते हैं। कलर हमारे दिमाग के अंदर बनता है। तो कलर कोई चीज़ नहीं है, फिजिकल चीज़ नहीं है। जैसे बिजली होता है फिजिकल चीज़ है, आपका वेट होता है, मास होता है, ये सब फिजिकल चीज़ है। कलर फिजिकल चीज़ नहीं है। कलर जो समझिए फोटॉन्स हैं, उसका वेवलेंथ है। तो मतलब अगर फोटॉन्स का वेवलेंथ आप समझ लिए 400 के पास होगा तो उसे हम लोग वायलेट कहेंगे, 700 के पास होगा तो उसे रेड कहेंगे। तो ये वेवलेंथ कंटिन्यूस है, इसमें कलर्स नहीं है। ये हमारा दिमाग अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से हैंडल करने के लिए इसको लेबल दिया हुआ है। और ये समझिए इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि कलर का कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन, वो ऑड इन्फिनाइटम होता है। यानी कि कहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कहीं पे भी भाई, यहाँ से यहाँ तक में कहीं पे भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी। तो इन्फिनिट कॉम्बिनेशन है। और रेशियो की जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट सोर्स से ब्लू निकल रहा है, कोई लाइट सोर्स से ग्रीन हो रहा है, ये सब रेशियो कितना हो सकता है, इन्फिनिट। तो हिसाब ये समझिए कि ये रियल प्रॉब्लम हमारे लिए बनाता है कि फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। जैसे मास और वेट ये सब एक फिक्स्ड टाइप का क्वांटिटी है। ये तो भैया मतलब इसमें समझिए बहुत सारा लेयर है इंटरप्रिटेशन का। तो ये हो गया, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर हम लोग इंफ्रारेड देख रहे होते तो इंफ्रारेड हम लोग कैसे देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देखते हैं, भले उस पर आप कलर पोत देते हो फॉल्स कलर। आप ये समझिए हमारा दिमाग फॉल्स कलर पोत रहा है ये सब कलर के ऊपर। ये सब वेवलेंथ है, क्या वो वेवलेंथ में कलर नहीं, वो हमारा दिमाग का इंटरपोलेशन का लॉजिक है। जैसे अगर आपको कहीं पर रेडार इमेज देखते हो जो कलरफुल देखते हो, भाई रेडार में कलर कहाँ से आ गया, कलर किसी वेवलेंथ में नहीं होता। बस आप अच्छे से स्टडी करने के लिए आप उसमें कलर लगा सकते हो, फॉल्स कलर जिसे कहते हैं। तो हमारा ब्रेन यही कलर करता है। तो हमारा आँख जो है इवॉल्व हुआ है, उसमें 3 सेटअप है, जिसे आप समझते हैं ना, रॉड सेल और कॉन सेल पढ़े। तो कॉन सेल जो होता है उसमें 3 वेराइटी है, शॉर्ट वेवलेंथ वाला जो कि मतलब ब्लू को संभालता है, मीडियम वेवलेंथ वाला जो ग्रीन को संभालता है, लॉन्ग वेवलेंथ वाला जो कि रेड को संभालता है। ये हो गया आपके कॉन के सेल्स। तो ये कॉन सेल्स आपका समझिए रंग देखता है, और आपका रॉड सेल हो गया ये ल्यूमिनेंस देखता है कि कौन चीज़ कितना ब्राइट है। उसका मतलब डिटेल क्या है, वो रॉड सेल सिर्फ शेप्स अच्छा से पकड़ पाता है, कलर आपका कॉन पकड़ पाता है। तो ऐसे करके किया। और जब भी आप समझते ना ट्रू टू लाइफ, कोई भी चीज़ को अगर बोला जा रहा है ट्रू टू लाइफ है, तो ट्रू टू लाइफ का ट्रू मीनिंग होता है कि हमारे आँख के रेंडरिंग कैपेसिटी से आगे चले जाओ। हमारा आँख जिस चीज़ में फॉल्ट निकाल सकता है उससे आगे चले जाओ, तो उसे ट्रू टू लाइफ कहेंगे। तो क्या वो सही में ट्रू टू लाइफ है, फैक्चुअली हमारे लिए हाँ, तो उसी को कहते हैं। और ये हमारा मतलब रेटिना का स्ट्रक्चर। और रेटिना बड़ा अजीब है, ये बैक साइड इल्यूमिनेटेड नहीं है, फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड है। यानी कि आपका जो एक्चुअल आँख का मतलब समझिए जो स्ट्रक्चर है, जहाँ इमेज बनता है उसमें वायरिंग है। ये मतलब नर्व्स उर्व्स है, आपका सेल एकदम अंदर है, उल्टा चल रहा है। मतलब बेसिकली सेल्स ऐसे उगते हैं, उसके ऊपर से वायरिंग है, इसीलिए हमारा जो ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट है क्यों, वायरिंग ऊपर से गई है इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब सेंसर है, सेंसर के ऊपर केबल है, फिर केबल का एक बंडल बनकर निकलता है, तो उस जगह को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगर सेंसर होता पीछे से केबल रहता फर्क नहीं पड़ता, ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। और सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी आती है, हमारा उल्टा आँख है तो उतना अच्छा है नहीं मतलब सेंसिटिविटी। और ये भी समझिए सबका सेंसिटिविटी सेम जैसा नहीं है। ये इमेज आपको काफ़ी खोजने में मिलेगा, और इसको कई बार लेवलाइज करके दिखाते हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन और रेड सेम दिखता है, वो लेवलाइज्ड है, ऐसा है नहीं रियल लाइफ में। अगर मैं आपको ल्यूमिनेंस पर वाट के हिसाब से आपको लाइट दिखाऊँ, कौन सा सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, वो ग्रीन होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्स है ग्रीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे आँख में ग्रीन का कॉन्स रखा हुआ है। तो ग्रीन हम लोग बहुत सेंसिटिव, बहुत लो लाइट पे भी मतलब इंटेंसिटी पे भी ग्रीन देख सकते हैं, इसलिए ग्रीन लेज़र हर जगह यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत आसानी से दिखता है। सेकंड बेस्ट है रेड। रेड मतलब समझिए कम सेंसिटिविटी है। सबसे क्या गुजरा सेंसिटिविटी है ब्लू कलर का, क्योंकि मतलब ब्लू मतलब फॉरेस्ट में नहीं है, हमारे सर्वाइवल में फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रीन भैया एक एक पत्ती के बीच का कलर पकड़ लो, कौन कौन खाना है, मतलब खाना में जनरली ग्रीन शेड्स होते हैं, मतलब पेड़ देख रहे हो, पत्ता देख रहे हो, उसमें क्या छिपा हुआ है, वो शेडिंग आपको पता चलना चाहिए। स्किन कलर शेड अलग होता है, जैसे कोई भी एनिमल है उसका स्किन है उसका कलर शेड ग्रीन के पास हो सकता है, एग्जैक्ट ग्रीन नहीं हो सकता। तो हम लोग ग्रीन पर पूरा दिमाग मेहनत किया है, ग्रीन को बम बम बनाया, रेड को ठीक ठाक है, ब्लू आया छोड़ो यार। और जो आप लोग सुनते हैं ना ग्रीन स्क्रीन क्यों करते हैं, वो इसके चलते हैं। ऐसा क्यों, ग्रीन स्क्रीन के चलते मतलब ये हमारा ग्रीन सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करते हुए, जो बेयर फिल्टर आप देखते हैं डिजिटल कैमरास में, उसमें आप लोग बार बार देखते होंगे भैया ग्रीन डबल है, मतलब आपका क्या होता है रेड ग्रीन ब्लू फिर से ग्रीन आ जाता है। क्यों ग्रीन आता है, ताकि ये वाला हमें नेचुरल लगे, क्योंकि समझिए एंड में आप क्या देखना चाहते हो, आँख से देखना चाहते हो, कुछ भी बनाए चाहे प्रिंट करो चाहे आप उसे सिनेमा स्क्रीन पर करो, आपको देखना किससे, आँख से देखना है ना, तो आँख के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। तो ग्रीन डबल कर दिया जाता है, ग्रीन आप डबल कर दिए हो तो सारे कैमरा में ग्रीन डेटा सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो भैया ये कर दिया जाता है।
इसीलिए अगर आप बहुत पुराना फिल्म फुटेज देखेंगे तो उसमें कई बार ब्लू स्क्रीन यूज़ करते, क्योंकि फिल्म का जो केमिस्ट्री होती थी वो ब्लू सेंसिटिव होता था, तो इसीलिए ग्रीन स्क्रीन हम लोग को इसके चलते मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसके चलते डिजिटल कैमरा वैसा बनेगा, डिजिटल कैमरा को वो भैया ग्रीन स्क्रीन ही ज़्यादा बेटर सूट करता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मोनोक्रोमेटिक से कर सकते हैं, बट जनरली या तो ब्लू यूज़ होगा या तो ग्रीन होगा, तो हमारा थिंग यही काम करता है। अब यहाँ पे समझिए कि सबसे बड़ा फजीयत आता है कि कोई इक्विपमेंट सेम होता ही नहीं है। आप सेम सिलिकॉन इंडस्ट्री में जाए, जैसे ऑन सेमीकंडक्टर है जो आपका इसका आईमैक्स का कैमरा बनाता है, आईमैक्स बोल रहा हूँ, इसका एलेक्सा का कैमरा बनाता है, उसका सेंसर बनाता है, उसका आप दो सेंसर लीजिए, एक ही सिलिकॉन से काटा हुआ, दोनों में अंतर होगा, कितना भी हाई तबा कर लिया, मेरे इस आँख से इस आँख में अंतर होता है, हर चीज़ में अंतर होता है। अगर आप सेंसिटिव इक्विपमेंट से लेकर देखेंगे आपका सिर खराब हो जाएगा भैया, हर चीज़ में हर समय हर जगह अंतर होता है, कभी भी आप कुछ नहीं कर सकते। और परसेप्शन, यानी कि ये जो कर्व्स मैं दिखा रहा हूँ, ये कर्व ह्यूमन का एवरेज कर्व है, इसका ये मतलब नहीं एग्जैक्टली यही है। कुछ लोगों का रेड थोड़ा अलग हो सकता है, ब्लू ओवर सेंसिटिव हो सकता है, कुछ लोगों का ग्रीन कम सेंसिटिव हो सकता है। आप लोग देखते हो कुछ लोग कलर से कुछ ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, उनका यही अलग होता है, मतलब बायोलॉजिकल लेवल पर ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, जो ग्रोथ हुआ है वो अलग है। कुछ लोगों का ये खराब हो जाता है जहाँ पे आप लोग कलर ब्लाइंडनेस सुनते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत फचांग है। और इसका सबसे बड़ा अंतर ये आता है ना कि आप इसको ये रेड है, वो लिटरली कोई बोलेगा अरे रेड नहीं है वो तो ऑरेंज है, किसी बोले अरे रेड नहीं वो टर्कोइज है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आप समझ सकते हो कि ये इसमें एकदम अलग अलग आता है। और कलर से प्रॉब्लम ये कि फीलिंग क्रिएट करता है, हमारे दिमाग उसे फीलिंग से जुड़ा हुआ है। हम लोग रेड कलर पे क्यों रोकते हैं, क्योंकि रेड ब्लड का है, ब्लड का कलर से हमें क्या ट्रिगर होता है, सेफ्टी, डेंजर है, कुछ लगाओ, ब्रेक लगाओ, इसीलिए रेड लाइट्स होते हैं। तो वो फीलिंग भी आपके कलर से बंधा हुआ है। तो कलर अगर आप ठीक से नहीं दो, खासतौर पर स्किन कलर, तुरंत लोगों को लगे गड़बड़ लग रहा है। जो आप लोग कभी और सुनते हो ना कि अगर स्किन टोन अच्छा नहीं है तो लोगों को लगता है कि वो पर्सन सिक है, बीमार है, क्योंकि कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम बना है कि भैया एनालिसिस करो, क्या एनालिसिस कर सकते हो इंसान में, स्किन एनालिसिस कर सकते हो, उसमें क्या देख सकते हो, कलरेशन क्या है, उससे क्या पता निकाल सकते हो कि भैया वो बंदा हेल्दी है या कि अनहेल्दी है। जो आप लोग देखते हो जॉन्डिस में हम लोग कैसे पीला हो जा रहा सारा चीज़, तो वही समझिए प्रॉब्लम यही है कि हर चीज़ में फचांग बहुत है। और कलर एग्जैक्टली कुछ होता नहीं कि आर जी बी ऐसा कुछ है नहीं, आप चाहे तो 6 बना सकते हो, और आप लोग देखते हो प्रिंटर में उल्टा चलता है, मतलब CMYK चलता है, फिर प्रोफेशनल प्रिंटर में जाएंगे उसमें 12 कलर्स होते हैं, उससे भी ऊपर जाएं तो 24 कलर मिल जाएगा आपको। तो समझने वाली बात होती है कि प्रॉब्लम यही है, फचांग है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का समझिए कि पूरा डिजिटल वर्ल्ड पूरा कोशिश करता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाए। जैसे आप लोग सुनते हैं REC 709, REC 2020, जैसे ये टीवी REC 2020 का है, तो HDR सेटिंग, मतलब SD को हम लोग 709 कहते हैं, HDR को 2020 कहते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग को डेटा कंप्रेशन से डील करना पड़ता है। आप शुद्ध डेटा इधर से उठा के नहीं डाल दे रहे, जो कैमरा का सेंसर से निकल रहा है वो शुद्ध आपके टीवी में नहीं आया जा सकता, वो प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि वो रॉ स्टूपिड हो जाता है, ना तो उसे आप स्टोर कर सकते हैं, ना तो मतलब डिलीवरी और ट्रांसमिशन होना नहीं है आपका रॉ फाइल में। तो इसीलिए एक ही रहता है कि उसे आप कंप्रेस करो। अब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के लिए क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए, हमारा आंख दिखता कैसे है, कैसे उसे रिक्रिएट करना, अगर वो सही से नहीं होगा हुचपुच हो जाएगा। ये जो आप देखते हैं कलर वॉल्यूम, कलर व्हील, कलर स्पेस, जो भी आप कहें, ये वही है, वो मैथमेटिकल डेटा सेट है कि हमारा आंख कैसे काम कर रहा है, वो कलर का वो सेटअप लगा दिया हुआ है, उसके बाद से रेशियो है। और समझिए कि एक कलर जो हम कलर कह रहे हैं वो कई तरीके से बनाया जा सकता है। आपके पास येलो कलर येलो लाइट से भी निकाल सकते हैं, या तो दो कलर को मिक्स करके भी निकाल सकते हैं, हमारा पूरा प्रिंटिंग प्रेस उसी पे चलता है। तो लॉजिक वही है कि कलर वर्ल्ड में इन्फिनिट है हमारे ब्रेन, लेकिन उससे हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फिजिक्स के लेवल पे जाने की ज़रूरत, हमें चाहिए भैया इसको अच्छा ही लगे, तो भैया इसमें पीला का मतलब पीला होता है, इसमें भैया पीला है पीला है, तो प्रिंटर के पास जाएगा बोलेगा CMYK में सीधा येलो यूज़ कर दो, मॉनिटर के पास जाएगा बोले भैया RYG है ना तुम्हारे पास उसका इस्तेमाल करो। तो वही उसी का लॉजिक, पूरा कलर स्पेस जो आप सुनते हैं उसी लॉजिक पे चलता है। और कलर चार्ट जो होता है, जो सबसे पहला टूल होता है, सब सिनेमाटोग्राफर यूज़ करते हैं, आप हमेशा सब सीन में देखते होंगे, मतलब फोटोग्राफर भी लोग यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों है, हम बोले दो इक्विपमेंट सेम नहीं हो सकता जो कि सेम बैच से निकला। अब इमेजिन कीजिए कि आप कैमरा शूट कर रहे हैं और उस कैमरा के यहाँ पे आपने सीन भी किया है, कैसे जानते हैं कि सेम आएगा कलर, नहीं जानते, आप तुक्का मार रहे हैं, हवा भरोसा आप तुक्का मार रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। और दिखेगा आपको ये कई बार दिखेगा कि जैसे कोई यूट्यूब पर शॉर्ट बना रहा है या कुछ बना रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन सीन कट हो रहा है आपको पता चल जा रहा है। और ऐसा नहीं कि कट गलत जगह पर रखा हुआ, कट बहुत अच्छा है लेकिन कलर ही चेंज हो गया तुरंत, मतलब कि भैया जो जैसे पेड़ के कलर में तुरंत दिखता है, बोले हमारा आँख ग्रीन में बहुत सेंसिटिव है, आपको कहीं ग्रीन दिखेगा कि थोड़ा सा उसमें मतलब समझिए हरियाली है, कहीं ग्रीन दिखेगा यार मतलब जैसे धूल का एक परत पड़ा हुआ है, कलर दोनों अभी भी ग्रीन है लेकिन बैलेंस बिगड़ गया।
तो कलर चार्ट जो है सारे शूट्स में, चाहे वो आज का हॉलीवुड हो, फोटोग्राफर्स हो, ये सारा का गाड़ी यहीं से खुलता है, कलर चार्ट को कैप्चर कर लो। क्योंकि कलर चार्ट आपके पास आ गया सारे, जैसे मतलब शॉट ए, शॉट बी, कैमरा ए, कैमरा बी, कैमरा सी, कैमरा डी, जो भी है, कैमरा ए सेटिंग है, क्योंकि समझिए ISO जब आप चेंज करते हैं उससे डायनेमिक रेंज चेंज होता है, उससे कलर का परसेप्शन बदल जाता है कैमरा का, और इसीलिए बोलते हैं शिफ्ट करता है ऑप्टिमम जो है, और खासतौर पर जिसमें डुअल गेन सर्किट है, यानी कि कहते हैं ना कि ISO एक लो लेवल है एक हाई लेवल है, वहाँ पे जमीन आसमान का अंतर आता है कलर में, तो आप जानोगे कैसे कि कलर अलग आ रहा है। उसका एक ही तरीका होता है कलर चार्ट, उस पर कैप्चर कर लो। फोटोग्राफर जैसे इस तरह का चार्ट लेके, मतलब उन्होंने एक लेंस लिया, खींच लिया, सब चीज़ सेटअप कर लिया, हाँ भैया, फिर दूसरा लिया, जैसे मान लीजिए सोनी का आपका कैमरा था, आपने उसमें सिग्मा का लेंस लगाया, कलर थोड़ा अलग आएगा, तो आप फिर से खींचोगे यही फोटो, फिर से कलर चेकर से मैच कराओगे, फिर आपको दी जाएगी लेंस का क्या प्रॉपर्टी है। ऐसे ऐसे करके आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास ट्रू टू लाइफ कलर आ रहा है, लेंस से फर्क नहीं पड़ रहा, कैमरा का कलर साइंस से फर्क है, आप कैलिब्रेट कर पा रहे हो, क्योंकि सोर्स है, ये फिजिकल चीज़ होता है। और चाहे अगर मान लीजिए बहुत पैसा नहीं है तो भी आप इसे बस एक नॉर्मल प्रिंटआउट से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो ये कर देगा कि आपका दो तीन सीन या दो तीन कैमरा से जो आप शूट कर रहे हैं उसके कलर रिलेटिव टू ईच अदर परफेक्ट हो जाए, मतलब कि एटलीस्ट स्विंग्स नहीं हो कि भैया इसमें तो ग्रीन ग्रीन था, इसमें ग्रीन येलो हो गया, वो हो जाता है। इसीलिए ये कलर चार्ट सबसे पहला लेयर होता है, और उसमें यही समझिए कि यही आपको कैलिब्रेट करने में मतलब कौन सा कलर स्पेस में शूट करें, क्योंकि कैमरा का कलर स्पेस डिस्प्ले के कलर स्पेस से ज़्यादा बड़ा होता है, कैमरा कुछ भी कैप्चर कर सकता है, बोले वो इंजीनियरिंग डिवाइस है, कैप्चर कर सकता है, हमारा आँख भले नहीं देख पाए लेकिन कैमरा कैप्चर कर लेता है, तो उससे हम लोग स्टोर क्यों करते हैं। लॉजिक यही पहले बाई डिफॉल्ट होता था, क्योंकि नेगेटिव में बहुत डिटेल आता था, और डिजिटल कैमरा में भी जो ढंग के हैं रॉ डेटा में उसमें बहुत डिटेल आता है, और फिर हिसाब ये बना कि मे बी इन फ्यूचर हम लोग बेटर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो कलर गैमेट को मतलब ये कलर स्पेस को कलर गैमेट तक शादी करा पाएगा। अभी हमारा ये कलर स्पेस इतना बड़ा है, कलर गैमेट इतने सा है, लेकिन वो बढ़ते जा रहा है, 709 में इतना सा था, 2020 में इतना हो गया, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए वो स्टोर करके आर्काइव कर दिया जाता है। जो आप लोग थिएटर में प्रिंट देखते हैं, जो उनका एक्चुअल डिजिटल फाइल होता है, वो बहुत हाई उस पर D3 ऐसे करके एक प्रोफाइल है उसमें स्टोर किया जाता है, बहुत इन्फॉर्मेशन रहता है। तो कलर स्पेस समझिए वही होगा जो आप कैप्चर कर सकते हो, और कलर गैमेट हो गया जो आप दिखा सकते हो। कैप्चर करने का सब कैप्चर करके रख लो, अगर मैथमेटिकल डेटा है कि वो डेटा है, लेकिन आप स्क्रीन को बोलो भैया ये जैसे ये वाइट कलर है, इसको बोलो तो भैया इसको 2000 लूमेंस पे दिखाओ, लूमेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, निट्स पे दिखाओ, टीवी बोलेगा भाई मेरा सिर्फ 1000 तक जाता है, 2000 हम नहीं दिखा सकते, वही वाला लॉजिक है ये। इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि कलर स्पेस होता है कि वो सब चीज़ कैप्चर करने की कोशिश करता है, और गैमेट जो है बोलता है भैया टीवी में क्या अटेगा, ये दोनों के बीच का कन्वर्शन आप इसी सब ग्राफ से किया जाता है। और कलर चार्ट आपको ये दे देता है कि भैया सीन टू सीन, ए टू बी, रंग क्या हो रहा है, कैमरा कैसा रेंडर कर रहा है, लाइटिंग से क्या असर पड़ रहा है, वो सब आपका सीन में इक्वलाइज करने में बहुत मदद करता है। ये सबसे पहला टूल होता है कलर चेकर, इसीलिए हर जगह हर बड़ी बजट में कलर चेकर पर ढंग से मेहनत किया जाता है। फिर आते हैं मॉनिटर पे, क्योंकि आप कलर चेकर से तो कैमरा के अंदर जो चीज़ गया वो बल्ले बल्ले, आप कैसे जानो सही है, उसके लिए मॉनिटर आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि एंड में आप लोग कहाँ देखते हो, मॉनिटर में देखते हो, जितने भी पिक्चर होते हैं मॉनिटर में ही रेंडर किया जाता है ना एंड में, तो सबसे पहले यही समझिए कि मॉनिटर को आपको पता होना चाहिए कौन गैमेट पे है। जैसे कि मेजॉरिटी मॉनिटर्स ये HDR नहीं होते, SD होते हैं, और कहने को HDR वाला वो सबसे खराब रहता है, ट्रिगर करता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को कि भैया तुम HDR दो, लेकिन पैनल उतना अच्छा नहीं है कि वो HDR दिखा सके, वो ना इधर रहता ना उधर रहता, बहुत बर्बाद परफॉर्मेंस आता है उसमें, तो इसीलिए आपको पैनल का स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। जैसे ये पैनल है तो पैनल का कैसे, पैनल 8-bit है कि 10-bit है, और ये पर चैनल की बात कर रहे हैं, इसीलिए 8-bit वैसा 8-bit वीडियो जैसा वाला बात नहीं हो जाता, पर चैनल की बात होती है तो बहुत बड़ा अंतर आता है 8-bit है कि 10-bit है। जितने भी वीडियो कलरिस्ट के लिए बनाए जाते हैं जो ढंग से प्रोफेशनल है, वो 10-bit से नीचे नहीं उतरते हैं। और फिर ये समझिए कि आपको एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, कि मैं कह रहा हूँ कि ये है तो मतलब है, कलर सही है तो है सही, क्योंकि कैसे आप जानोगे, आप जानोगे कैसे कि भैया मैंने बोला है ये कलर सही है तो सही है, आप कैलिब्रेट करके देख सकते हो। और तब ये होता है कि भैया जैसे मान लिया आपके में स्किन टोन ठीक से एकदम गुलाबी सा आ रहा है, दूसरे में ऑरेंज आ रहा है, नहीं सर आपका मॉनिटर बिगड़ा हुआ है, वो आप कैसे कह सकते हो जब आपके पास एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल हो। तो इसके लिए लोग बाहर से टूल खरीदते हैं, जितने भी आप देखते ना कि कैलिब्रेटर्स अलग से टूल खरीदा जाता है, जो भी कलरिस्ट स्टूडियो हैं उस पर काफ़ी खर्च किया जाता है, मतलब सिनेमा VFX हो जाए, ये सब जगह पे कलरिस्ट लोग को ये टूल दे दिया जाता है कि भैया तुम अपना मॉनिटर कैलिब्रेट करो, प्लस मॉनिटर हर कुछ टाइम पर कैलिब्रेट किया जाता है, यानी कि जनरली कहा जाता है मिनिमम साल में एक बार आपको कैलिब्रेट करना होता है, और अगर आप नहीं करोगे तो आपका डिस्प्ले आउट ऑफ सर्टिफिकेशन चल जाएगा। और अगर आपको कभी अपने आपको हार्ट अटैक देना है तो एक बार देख लीजिए सिनेमा कलरिस्ट डिस्प्ले का दाम क्या होता है,
जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले जो है वो सर्टिफाइड है। जैसे ये जो जहाँ पे थिएटर में लोग मेन एक्चुअल कलर सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो सब थिएटर का दाम देखिएगा, मतलब मिनिएचर थिएटर ये, और उसमें से कुछ कुछ में डॉल्बी सर्टिफिकेशन भी आता है। जैसे कि डॉल्बी कहता है कि भैया 4000 निट्स के लिए, जैसे आप कोई भी पिक्चर देखते हो उसमें डॉल्बी विजन आता है, वो 4000 निट का डेटा मांग रहा है। तो भैया 4000 निट पे आप मास्टर कैसे करोगे? कैमरा ने कैप्चर कर लिया है, आप मास्टर कैसे करोगे अगर आपका मॉनिटर ही नहीं दिखा सके? इसीलिए मॉनिटर चाहिए होता है उस लेवल का जो कर सके। इसीलिए जो मॉनिटर आपका गेमिंग के लिए वो अलग है वर्सेस जो मॉनिटर बनाया कलरिस्ट के लिए, ये दोनों पूरा अलग अलग इकोसिस्टम है। तो कलरिस्ट के मॉनिटर जो आते हैं खासतौर पे जो सर्टिफाइड होते हैं, जिसपे कि सोनी अपना स्टैंप डालेगा, और वो भी स्टैंप एक्सपायरी डेट के साथ आता है कि भैया एक साल हो गया है, आप हमारे पास पीछे फिर से भेजिए, फिर से कैलिब्रेट कीजिए, तो हम भरोसेमंद है, नहीं कैलिब्रेट कर रहे हो तो आप भगवान भरोसे, राम भरोसे हो गए आप। तो ये मॉनिटर हमेशा कैलिब्रेट करना होता है। यहाँ आपका कैलिब्रेशन सही है तभी आपकी गाड़ी आगे जा सकती है, यहाँ कैलिब्रेशन गड़बड़ है, आपको लग रहा है कि मैं सही कर दे रहा हूँ कलर से, जैसे लोग देखेंगे यूट्यूब में कुछ गड़बड़ है, गलत हो गया, मोबाइल में देखें अरे इसमें तो और ख़राब दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्ले सही नहीं था। डिस्प्ले कैलिब्रेटेड होना चाहिए, महंगा टूल है क्योंकि उतना बिकता नहीं है, लेकिन ज़रूरी टूल है। और इसको ज़्यादा हुलुलु ना करें कि भैया आँख से कर लेंगे, मोबाइल कैमरा से कर लेंगे, नहीं, उसका कैलिब्रेशन फिर उसमें आ जाएगा इंटरफियरेंस में। इसीलिए ढंग से अगर आप मतलब आपके काम पर आपको पैसा मिल रहा है तो ये सब पे खर्च करना वायबल होता है। फिर अब बात करते हैं प्रिंट आउट का, जिसका मुझे अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैंने एक प्रिंटर लिया था, ऑल इन लिया था, क्या लिया हूँ ऑल इन वन करके, समझिए ऐसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और मतलब ये तो बहुत कैलिब्रेशन के बाद हुआ कि भाई जो मैं पिंक ये लीफ जो हो रहा था यहाँ पे ये ब्लैक जैसा है, ब्लैकिश पिंकिश ब्लैक दिखा रहा है, जबकि इसका कलर ग्रीन होना था, क्योंकि जो प्रिंटर है वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन है। क्यों है मुझे नहीं पता, कहाँ बिगड़ा मुझे नहीं पता, एप्सन के साथ होता है कई लोगों के साथ, और इसमें भी मतलब जो चीज़ में येलोनेस आना चाहिए, वो टाइल्स येलो कलर का है, वो येलोनेस नहीं आ रही है, इसका ब्लू पर्पल लग रहा है, ऐसा हो रहा है। बहुत कैलिब्रेशन के बाद हम इसको ऐसा कर पाए कि ये अब नेचुरल ट्रू टू लाइफ कलर के पास आ रहा है, जहाँ पे भैया पत्ती ग्रीन होनी चाहिए थी, वो ब्लैक गुलाबी ऐसा नहीं था, ये कलर का रिचनेस वैसा आया। बहुत सारा मतलब बहुत वेस्ट किए हैं, मतलब पूरा प्लास्टिक भर के 50 पेज का आई थिंक बर्बाद कर चुके हैं। तो करना पड़ता है, प्रिंट आउट कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको लगेगा कि आप फोटो सही देख रहे हैं और लोग देख के वो बता नहीं पाएंगे। मैं बता सकता हूँ कि अच्छा तुम्हारा मेजेंटा ज़्यादा हो रहा है या येलो ज़्यादा हो रहा है, वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन उनको फील आएगा यार भाया नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। क्योंकि समझिए पेपर का गैमेट सबसे छोटा है, कैमरा सबसे ज़्यादा कैप्चर कर सकता है, रॉ में तो बम बम कैप्चर कर लेता है, फिर उसे आप छोटा कर दो, जैसे रेक 2020 हो गया। अब बात है कि पेपर हो गया, वो पेपर और छोटा उसका मतलब कलर स्पेस होता है, तो हिसाब ये रहता है। और रहा बात कि पेपर कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो भी एक समस्या है। आप फोटो पेपर जैसे कोई नो नेम ब्रांड का लेते हैं, कोटेक का लेते हैं, कैनन का लेते हैं, सबका अलग अलग आता है, एस्पेन का लेते हैं अलग आता है, तो आपको इंक कौन सा इंक यूज़ हो रहा है, क्योंकि खासतौर पे ये लोग जो सब्लिमेशन प्रिंट करते हैं उनका सबसे ज़्यादा हेडेक यही होता है, क्योंकि उनका कोई प्रिंटर कैलिब्रेशन ठीक से नहीं दे सकता, वो लेने के बाद हमेशा बैठ के कैलिब्रेट करना पड़ता है, क्योंकि लाल टी शर्ट में अगर वो डालेंगे भैया मेरा पूरा कलर उलट गया, कारण वही है, वो कैलिब्रेशन करना पड़ता है। पेपर कैसा है, जैसे सब्लिमेशन में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आम केसेस में भी अगर आप पेपर अच्छा से समझ रहे हो तो अच्छे से आउटपुट आएगा। ये दोनों को अकाउंट में लिया जाता है, जिसे आप सुनते हैं ना ICC प्रिंटर प्रोफाइल, वही समझिए किया जाता है। हर ब्रांड हर मॉडल अलग होता है, जैसे कि अगर आप सोचते हो कि मैं एप्सन को 8 किया हूँ, यही सेटिंग जो सेटिंग मेरे प्रिंटर में काम कर रहा है, दूसरों को जरूरत ही नहीं, उनका कैलिब्रेशन सही चल रहा है, पता नहीं क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं कि भैया मेरा प्रिंटर में इंक टैंक ही ज़्यादा है, जैसे किसी किस में आपका ये होगा फोटो ब्लैक और ये फोटो ब्लैक और की ब्लैक दो अलग अलग होता है, भाई ये दोनों में अलग क्यों है? बात है डॉक्यूमेंट के लिए जो की ब्लैक यूज़ किया जाता है, जो मेन ब्लैक है वो ब्लैक होता है पिगमेंट का, वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, लेकिन जितने आपके कलर्स हैं वो डाई से आ रहे हैं। डाई का फायदा ये होता है कलर बहुत रिच आता है, साइड इफेक्ट होता है टिकता नहीं है। लेकिन अब बात होता है कि अब डाई में आपने रंग डाल दिया, अब उसको काला डालना है कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए, तो काला तो उसके ऊपर ठीक से मैच नहीं करता, क्योंकि मतलब डाई भी वो भी डाई होना चाहिए। तो इसी के लिए जितने भी एप्सन के फोटो प्रिंटर्स हैं उसमें आपको ब्लैक और ग्रे अलग अलग मिल जाते हैं, जो जनरली डाई होते हैं। जो ब्लैक ओनली प्रिंटर आप देखेंगे उसमें पिगमेंट रहता है, जो ब्लैक का बड़ा बॉटल है वो पिगमेंट है, जो ब्लैक का पतला बॉटल है वो डाई है। तो ये सब करना पड़ता है, इसलिए बोले हर मॉडल में अलग होता है। एप्सन के ही कई सारे मॉडल देखेंगे सब में अलग अलग आएगा, कैनन में देखेंगे सब में अलग अलग आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कैलिब्रेट करने के लिए प्रिंट आउट को लोग मेहनत करते हैं। अब विदाउट कैलिब्रेशन आप होप कर रहे हो, समझिए मैं तुक्के से पकड़ पाया हूँ, मतलब मैं प्रिंट किया हूँ, फोटो लोगों को दिया हूँ, फोटो ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं ख़राब है, लेकिन एक पता नहीं रंग गलत है, कैसे पता चलेगा? किसी को जिसको मैं फोटो दे रहा हूँ उसे नहीं पता चलेगा, मुझे तुक्का से पता चल गया, क्योंकि ये फोटो मतलब समझिए मैं ऐसे रखे हुए थे मॉनिटर पर, देख एक एक मॉनिटर में दिख गया है यहाँ तो ग्रीन आना चाहिए था, यहाँ पिंक क्यों आ रहा है? वही, ये हर किसी के साथ नहीं होता। तो समझिए आप भगवान भरोसे चल रहे हैं, आप एक दो बार कैलिब्रेट कर लो, या चांसेस है कि आपको जरूरत ही ना पड़े बस, लेकिन
कंफर्मेशन होना चाहिए। आर्ट गैलरी वाला और जितने भी कमर्शियल प्रिंटिंग होती है, कमर्शियल प्रिंटिंग में भाई बहुत खर्च करते हैं, अखबार के भी प्रिंटिंग में बहुत खर्च किया जाता है, क्योंकि बोलो ना बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जो एक कलर में आहा क्या अच्छा दिख रहा है, दूसरे कलर में ये तो सही का दिख रहा है, तो समझ रहे हैं बहुत सीरियस बात हो जाता है कि कलर टच से मस्त नहीं हो जाए। कॉमिक्स प्रिंटिंग हो जाए, आपका मैगजीन प्रिंटिंग हो जाए, बोलो सब प्रिंटिंग समय बहुत मेहनत किया जाता है कि कलर नहीं हो रहा। आप आर्ट गैलरी में गए, आपका कलर थोड़ा सा भी ऑफ है, वहाँ के लोग दूर से बोले उधर दरवाजा निकल लो, समझना ज़रूरी है। प्रिंटर को भी कैलिब्रेट किया जाता है, कमर्शियल इंटरप्राइज में बिना उसके नहीं चलेंगे। शादी उदी वाला अब डिपेंड करता है किसको आप दे रहे हो, तो वही समझिए। लेकिन इसके लिए थैंकफुली अलग से टूल नहीं खरीदना पड़ता, जो टूल आप अपने मॉनिटर के लिए लेंगे वो इस पर भी काम करता है, बस आपको सॉफ्टवेयर देखना होगा कि सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है कि नहीं, जनरली रहता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कलर के बारे में कि प्रिंट ये मतलब आप समझिए प्रिंट आउट से लेके मॉनिटर से लेके कैमरा से लेके उस सबका कैलिब्रेशन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों उसके पीछे हाई तो होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।